हेलो मेरे फूडीज, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फूडी निरुशुता। आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट कस्टर्ड। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही टेस्टी डेजर्ट है, तो इसको ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए शुरू करते हैं ड्राई फ्रूट कस्टर्ड बनाने की विधि। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाऊं। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम आधी कटोरी में दूध ले लेंगे। इसके बाद मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी, तो मैं वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब मैं 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी। तो हमको ध्यान रखना है कि कस्टर्ड पाउडर जो है वो हमको रूम टेम्परेचर के मिल्क में ही ऐड करना है। जो दूध है वो हमारा गर्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज गर्म दूध में अगर ये ऐड करेंगे तो इसमें लम्स आ जाएंगे और ये मिक्स ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर के दूध पे हमको ऐड करना है इसे, और अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड का जो मिक्सचर है इसमें अब कोई भी लम्स नहीं रहे हैं। तो उसको अब हम साइड पर रख देंगे, और तब तक के लिए हम जो दूध है उसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो अब मैं यहाँ पर अमूल का 1/2 लीटर दूध यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो घर का दूध या किसी भी ब्रांड का दूध यूज़ कर सकते हैं। तो हमको बेसिकली दूध को बॉईल करना है। तो जैसे ही दूध में जब फर्स्ट बॉईल आ जाएगा, फिर हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, बिकॉज अमूल का दूध मेरे को थोड़ा सा थिक लगता है। अब इसके बाद मैं इसमें पीसी हुई इलायची ऐड कर दूंगी। तो अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी गैस हमारी हाई फ्लेम पर ही रहेगी और हम दूध को बॉयल आने देंगे। तो जब दूध में बॉयल आ जाएगा ना, तो उसके बाद हमें इसमें कस्टर्ड का जो मिक्सचर बना कर रखा था वो ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं कि दूध में बॉयल आ गया है। तो इस स्टेज पर मैं गैस को लो फ्लेम पर कर दूंगी और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें वो जो कस्टर्ड का मिक्सचर बना कर रखा था वो ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और गैस को हमने इस टाइम पर लो फ्लेम पर रखा है। तो अभी मुझे ये कस्टर्ड जो है वो थोड़ा सा पतला लग रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और वो कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड कर रही हूँ इसमें। तो ये मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने ऑलमोस्ट 1 टीस्पून और ऐड करा है थोड़े से दूध में, जिससे कि अब मेरे को जो कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक लग रही है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पे डिपेंड करता है कि आपको कस्टर्ड की कैसी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने 1 कटोरी चीनी ऐड कर दी इसमें। अब इस स्टेज पे मैं गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करती रहूँगी। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, बिकॉज चीनी ऐड करने के बाद जो कस्टर्ड है वो नीचे काफ़ी जल्दी लगना शुरू होता है। तो इसलिए हम इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, और आप देख भी सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक होती जा रही है। तो इसे मिक्स करते रहना है, और आप देख रहे हैं कि इसे बॉईल भी आना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पर हम गैस को थोड़ा सा सिम फ्लेम पर कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। हमारा जो कस्टर्ड है वो ऑलमोस्ट बन ही चुका है। तो अब बारी आती है इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने की। तो मैं थोड़े से वॉलनट्स और थोड़ी सी किशमिश ऐड कर रही हूँ इसमें, और इसी के साथ मैं इसमें थोड़े से बादाम ऐड कर दूँगी। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, और इस स्टेज पर अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, पहले रूम टेम्परेचर पर और फिर फ्रिज में इसको 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने कस्टर्ड को फ्रिज में इसलिए रखा था बिकॉज मुझे ठंडा कस्टर्ड ज़्यादा पसंद है। और आप देख सकते हैं कि ये थिक भी हो गया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो अब हम इसको एक बढ़िया से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे गार्निश कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक बढ़िया सा बाउल, और इसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी हमारा ड्राई फ्रूट कस्टर्ड। अब इसके बाद मैं कस्टर्ड को बादाम से गार्निश कर रही हूँ। तो आप चाहे तो अपनी चॉइस के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो हमारा जो कस्टर्ड है, बढ़िया सा ड्राई फ्रूट कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। मैं आपको इसे पास से भी दिखा देती हूँ, और फिर मैं इसे टेस्ट करके भी बता देती हूँ। अगर आप चाहें तो इसे फ्रूट कस्टर्ड भी बना सकते हैं, बस ड्राई फ्रूट्स की जगह आप फ्रूट्स ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए, लग रहा है ना कितना ज़्यादा टेस्टी और कितना ज़्यादा डिलीशियस कस्टर्ड। तो अब मैं इसे जल्दी से टेस्ट भी कर लेती हूँ। भाई, कस्टर्ड तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, मुझे तो खाकर मज़ा ही आ गया।
फ्रेंड्स, आप ये ड्राई फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और इसको बनाना बहुत ईजी है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में मुझे प्लीज़ बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।